Dear students, welcome to my YouTube channel. In this video, we are going to solve question first of exercise 3.1, chapter 3, pair of linear equations in two variables. Class 10, Max from new NCERT book. Let's begin. Question first, form the pair of linear equations in the following problems. हमें यहाँ पर लीनियर इक्वेशन के यानी यहाँ पर जो दो प्रॉब्लम दे रखी है उनमें पेयर दे रखे लिए लीनियर इक्वेशंस के और उसके हमें सॉल्यूशन हमें फाइंड करना, फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली और ग्राफ के द्वारा यानी ग्राफ बनाकर ग्राफ में हमको रिप्रेजेंट करके हमें फाइंड करना है उसका सॉल्यूशन यानी आंसर। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। यहां पर दे रखा है 10 स्टूडेंट क्लास 10th के 10 स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने मैथमेटिक्स क्विज में भाग लिया। यदि गर्ल्स की संख्या बॉयज के संख्या से 4 ज्यादा है तो हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ बॉयज, हमें और गर्ल्स के नंबर भी याद करना है कि किस किस ने, कितने गर्ल्स ने और कितने बॉयज ने क्विज में भाग लिया था। और जिसको भी हम फाइंड करते हैं हम उसको लेट कर लेते हैं। अब लेट कर लेते हैं तो देखो यहां पर हम कर देते हैं लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स, मान लेते हैं हम वो एक्स है, और नंबर ऑफ बॉयज उसको मान लिया हमने वाई, उसको लेट कर लिया एक्स और वाई। अब देखो एक्स हमारे पास गर्ल्स है और बॉयज है, दोनों मिलाकर हमें इनके नंबर नहीं दे रखा कि कितने गर्ल्स थे और कितने बॉयज, लेकिन टोटल दे रखा है। यहाँ देखो 10 स्टूडेंट, दोनों को हमको इसको सम करेंगे तो हमारे पास आएगा 10 स्टूडेंट्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टू क्वेश्चन यहां देखो एक्स प्लस वाई गर्ल्स प्लस बॉयज इज इक्वल टू हमारे को 10 स्टूडेंट्स है दोनों मिलाकर, हमें नंबर नहीं दे रखा इसीलिए इक्वेशन हमारे पास होगी फर्स्ट इक्वेशन। अब देखो यहां पर इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, हमें गर्ल्स दे रखी x और इक्वल टू, अब जब हम इक्वल होएगा तो हम इक्वल कर करेंगे यहां से बॉयज प्लस इक्वल करेंगे, जब इसके इक्वल होएगा यहां पर कर देंगे अपन बॉय में प्लस 4, ठीक है, तो y प्लस 4 हो गया। अब ये जो वेरिएबल इसको हम y को इधर भेज देंगे लेफ्ट हैंड साइड तो ये माइनस में हो जाएगा इक्वल टू 4 और ये इक्वेशन हमारे पास आ गई सेकेंड इक्वेशन। अब ये जो फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन हम ये दोनों के हमें कोऑर्डिनेट बना लेंगे यहां पर टेबल में, तो पहले फर्स्ट की बना लेते हैं, तो यहां पर लिख लेते हैं एक्स और यहां लिख लेंगे y। तो x की वैल्यू हम 4 ले लेते हैं, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो, इधर यहां पर हम कोई सी भी वैल्यू हम इसको पुट कर सकते हैं। तो यहां पर हमने x ले लिया इज इक्वल टू 4, x की वैल्यू हमने 4 लिया, तो हम इसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लेंगे x प्लस y इज इक्वल टू 10, x की वैल्यू हमने यहां ले गया यानी x की जगह हमने पुट करा 4 प्लस y इज इक्वल टू 10। अब y की वैल्यू हम जब निकालेंगे तो 10 ये प्लस का था 4, इधर आएगा तो माइनस का हो गया, y इज इक्वल टू 6, y की वैल्यू हमारे पास आ गई 6। अब से अगला जो सॉल्यूशन है वो निकालते हैं, तो x की वैल्यू हम ले लेते हैं अभी इसमें 5, x इज इक्वल टू 5 ले लिए, तो इक्वेशन फर्स्ट में डाल दो इसको x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो x की जगह हम पुट करेंगे 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, y की वैल्यू निकालेंगे 10 ये 5 प्लस का था यहाँ के माइनस का हो जाएगा, y इज इक्वल टू 5, तो x की वैल्यू लिया था हमने 5 और ये y की वैल्यू भी हमारे पास आ गई 5। ये हमारा इक्वेशन वन के हमें कोऑर्डिनेट निकाल लिए हैं। अब सेकेंड जो इक्वेशन है उसके कोऑर्डिनेट हम निकालेंगे, यहां लिख लेते हैं x और यहां पर
वाई। तो हम ले लेते हैं यहां वाई की वैल्यू ले लेते हैं पहले, क्योंकि यहां पर माइनस में है तो ये प्रॉब्लम आएगी थोड़ी सी, इसलिए हम वाई वाई की वैल्यू ले लेंगे तो आसानी से ये हमारा सॉल्व होएगा। तो वाई की वैल्यू ले लेते हैं हम पहले, वाई की वैल्यू हम ले लेते हैं टू, और इसको इस इक्वेशन में हम इसको सेकेंड इक्वेशन में इसको पुट कर लेते हैं। एक्स माइनस ये टू, वाई की वैल्यू हम लेकर देते हैं टू माइनस टू इज इक्वल टू फोर। एक्स की वैल्यू हम निकालेंगे, यहाँ फोर लिखा, जब इसको माइनस टू को इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा प्लस टू, तो एक्स की वैल्यू आई हमारे पास सिक्स। यदि हम वाई की वैल्यू हमने लिया था टू तो एक्स की वैल्यू आई हमारे पास सिक्स। अब ले लेते हैं हम वाई की वैल्यू, ले लेते हैं हम फोर, एक्स माइनस वाई इक्वल टू फोर, तो वाई की वैल्यू हम फोर लिखते हैं, एक्स माइनस फोर लिख लेते हैं वाई की जगह, फोर इक्वल टू फोर, एक्स इक्वल टू फोर, और ये माइनस फोर इधर गया तो प्लस में हो गया, तो एक्स की वैल्यू आई हमारे पास एट। तो हमने वाई की वैल्यू लिया था फोर और एक्स की वैल्यू आई हमारे पास एट। अब इस ये सॉल्यूशन आने के ये कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गया, अब इसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं हम ग्राफ पर। ये ग्राफ है और ये हमने ये कोऑर्डिनेट निकाला था। सबसे पहले हम इक्वेशन फर्स्ट को रिप्रेजेंट कर लेते हैं इधर, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। यहां पर ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है। ये हमने इसको डिफरेंस दे दिया, टू टू का गैप है इसके बीच में, वन ये है, टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, इस तरह के गैप हो गया है इसमें। अब यहां पर देखो हम x की x एक्सिस पर 4 रखते हैं, x पे देखो x इजिकल टू 4 है तो 4 हम यहाँ ले लेते हैं, ये 4 हो गया। अब y पर लेते हैं 6, 1 2 3 4 5 6, तो ये 4 और ये 6 इधर इसको, ये हम इसको लिख लेते हैं 4 और ये 6 कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब ये नेक्स्ट सॉल्यूशन का x इजिकल टू 5 है, एक्स इजिकल टू फाइव है, यहाँ पर कर लेते हैं वन टू थ्री फोर फाइव, ये फाइव इधर आ रहा, यहाँ भी फाइव है, वन टू थ्री फोर फाइव, ये भी फाइव आ रहा, ये फाइव और ये फाइव हो गया, ये देखो इधर ये हो गया फाइव, ये फाइव आ गया। ये इसके हम तीन भी बना सकते हैं, इसके कोऑर्डिनेट तीन भी बनाते हैं, यहाँ पर हमने दो सॉल्यूशन निकाल रखा है, इससे ज्यादा भी बना सकते, तीन भी बना सकते, चार भी, तो टू काफी होता है हमारे को ये करने के लिए। अब इसको हमको स्केल के द्वारा इसको मिला लेते हैं दोनों को, ये इस तरह से ये मिल गया और ये फाइव और ये फाइव था कोऑर्डिनेट। यहां देखो जो फर्स्ट नंबर होता है वो एक्स होता है और सेकंड होता है वो वाई होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम निकालते हैं, अब ये सेकंड इक्वेशन हम पुट कर लेते हैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर लेते हैं, तो x इजिकल टू 6 है, देखो यहाँ पर x इजिकल टू 6, तो यहाँ पर गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 और ये 6 और नीचे है 2, तो 1 2 ये 2 ये इधर आ रहा, ये इधर हुआ, ठीक है। अब ये x इजिकल टू 8, ये 8 ये रहा, देखो ये 8, ये 8 है और 8 के नीचे ये y पे है 4, ये 4, 8 और ये 4 यहाँ पर आ रहा, x एक्सिस पर 8 और y एक्सिस पर 4 ये बना हुआ, तो ये वाला था 6 और 2, ये है 8 कोऑर्डिनेट 8 8 कोमा 4, ये हो गया। अब इन दोनों को भी हम मिला लेते हैं, ये देखिए इस तरह से स्केल रखना है आपको और इसको इस तरह से दोनों पॉइंट को आपको मिला है। अब देखो जहां पर ये काट कट कर रहा है, दोनों जो कोऑर्डिनेट्स हैं, जो दोनों इक्वेशन जो है ये लाइन है वो कट कर रही है, ये देखो इधर यहां पर कट कर रही है ये, और ये देखो यहां पर कहां मिल रहा है, यहां सेवन पे, यहां से सिक्स और इवन सेवन, और यहां पर मिल रहा है ये यहां से, ये देखो थ्री पर, तो एक्स पे तो सेवन आ गया और y पे आया 3।
थ्री, ये कोऑर्डिनेट बना। ठीक है, अब इसको हम इक्वेशन को भी लिख लेते हैं। ये जो इक्वेशन थी, ये लाइन है जो एक्स प्लस वाई इजिकल टू टेन, और ये जो थी वो है एक्स माइनस वाई इजिकल टू फोर। अब ये दो ये कट रहा, तो हमारे पास आ गया यहां पर सेवन, तो हमारे को मिला एक्स और थ्री मिला हमारे को वाई। ठीक है, एक्स जो हमने लेट करा था वो एक्स था, एक्स इजिकल टू हमारे को मिला सेवन और वाई इजिकल टू मिला हमारे को थ्री। तो नंबर ऑफ जो गर्ल्स है वो हमारे को सेवन मिली, तो आंसर यह होगा हमारा नंबर ऑफ गर्ल्स इजिकल टू सेवन, नंबर ऑफ बॉयज इजिकल टू थ्री। ये थ्री हमारे को मिला, यानी नंबर ऑफ। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट है, उसके लिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। पार्ट सेकेंड, फाइव पेंसिल्स एंड सेवन पेन्स टुगेदर कॉस्ट रुपीज 50। हमें यहाँ पर पेंसिल दे रखा है, उसकी फाइव पेंसिल है और सेवन पेंसिल, दोनों की जो कॉस्ट है वो टोटल मिला के 50 हमारे को दे रहा है। वेर एज सेवन पेंसिल एंड फाइव पेन्स टुगेदर कॉस्ट रुपीज 46। और एक और इक्वेशन हमारे को यहाँ पर मिलेगी, वो है सेवन पेंसिल होगी और फाइव पेन्स है, दोनों को टोटल होगा 46। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल, हमें यहाँ पर वन पेंसिल की कॉस्ट कीमत हमें निकालना है और वन पेन की, जो भी हम कॉस्ट निकालते हैं फाइंड जो करते हैं उसी को हम लेट कर लेते हैं, उसी को हम लेट कर लेते हैं। तो हम देखते हैं लेट द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल, हमने लेट कर लिया एक्स, और कॉस्ट ऑफ वन पेन उसको कर लिया वाई। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, टू क्वेश्चन यहां देखो x की वैल्यू, वन पेंसिल की कॉस्ट है x और वन पेन की कॉस्ट हो गया y। ठीक है, तो यदि एक पेंसिल की कॉस्ट x है तो फाइव पेंसिल की कॉस्ट क्या होगी, 5x। यदि एक पेन की कॉस्ट y है तो सेवन पेन की कॉस्ट होगी 7y, और दोनों का जो टोटल आएगा टुगेदर एक साथ जो प्लस कर देंगे हम इसको, तो उसको मिलेगा हमारे को 50 दोनों की टोटल। तो हमें इक्वेशन फर्स्ट मिल गया यहां पर। अब सेकेंड, वेयर एज सेवन पेंसिल एंड फाइव पेन्स टुगेदर कॉस्ट रुपीज 46। अगली जो इक्वेशन होगी वो इस तरह से होगी कि वन पेंसिल की कॉस्ट हमारे पास x है, तो सेवन पेंसिल की कॉस्ट क्या होगी, 7 इंटू एक्स, 7x, प्लस यदि एक पेन की कॉस्ट हमारे पास y है तो फाइव पेन्स की कॉस्ट क्या होगी, तो यदि एक पेन y है तो 5y हो गया इजिकल टू, दोनों की जो कॉस्ट होगी मिला के वो होगी हमारे पास 46, और ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब ये जो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन है उसका हम कोऑर्डिनेट बना लेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन के कोऑर्डिनेट बना लेते हैं, कोऑर्डिनेट कर लेते हैं x, x की वैल्यू हम कोई भी ले सकते हैं, हम यहां पर ले लेते हैं x की वैल्यू 10, s इज इक्वल टू 10, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट में डाल देते हैं, 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। अब उसके बाद हम देखते हैं कि x की वैल्यू हम 10x की जगह रख देते हैं, पुट कर देते हैं 5 इंटू 10 प्लस 7y इज इक्वल टू 50, 5 10 जा 50 हो गया प्लस 7y इज इक्वल टू 50। अब जो नंबर पार्ट इसको हम इधर भेज देंगे, 7y इज इक्वल टू 50, और इसको प्लस का था ये माइनस में हो गया, 7y इज इक्वल टू 0, 50 में से 50 सब्ट्रैक्ट करा 0 मिला, y की वैल्यू निकालना है तो ये 0 और 7 जो मल्टीप्लाई में था उसको डिवाइड में कर देते हैं, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं हमारे को 0 मिलता है, तो y इज इक्वल टू 0 होता है, तो हमारे को मिला y इज इक्वल टू
जीरो। नेक्स्ट सॉल्यूशन के लिए हम इसको इरेज कर लेते हैं। अब x की वैल्यू हम यहां पर लेट कर लेते हैं थ्री, मान लो हमने ले लिया थ्री, तो यहां पर लिख लिए थ्री। इसको फर्स्ट इक्वेशन में हम पुट कर ले, 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। अब 5 इंटू 3 प्लस 7y इज इक्वल टू 50। यहां हमने x की जगह 3 पुट कर लिया, यहां पर 5 3 जब 15 हो गया, प्लस 7y इज इक्वल टू 50 हो गया। अब ये 15 नंबर पार्ट को हम इधर भेज देंगे, 7y इज इक्वल टू 50, ये प्लस का था, माइनस में हो गया इधर आने के बाद, तो 7y इज इक्वल टू 15 को हम यहाँ से डिवाइड करेंगे, यानी 10 में से 5 करें तो 5 बचा, और यहाँ पर अपने तो ये 4 में से हम 1 माइनस करेंगे तो 3 आ गया, 35 हो गया। तो y की वैल्यू हम निकालेंगे 35 अपॉन डिवाइडेड बाय 7, 7 से इसको डिवाइड कर लेंगे, 75 जा 35, y की वैल्यू हमारे पास आई 5। तो हमने इसको 3 लिया था x को, तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 5। अब सेकेंड इक्वेशन हम देखेंगे, x और y लिख लेते हैं यहाँ पर। तो x की वैल्यू हम वापस ले लेते हैं 3, यहाँ चलो 3 ले लिया हमने वापस, इसको सेकेंड इक्वेशन में डाल देते हैं, 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। तो 7x की वैल्यू आएगी हमारे पास 3 प्लस 5y इज इक्वल टू 46, 7 3 जा 21 प्लस 5y इज इक्वल टू 46। हमने ये अब ये जो नंबर पार्ट है इसको हम इस साइड भेज देंगे, 5y इज इक्वल टू 46, माइनस हो गया यहाँ प्लस का था 21, 5y इज इक्वल टू 46, 46 में से हम 21 को माइनस करेंगे, तो 6 में से 1 गया तो 5, 4 में से 2 गया तो हमारे पास मिला 2, तो ये बना 25। तो y की वैल्यू हम जब निकालेंगे तो 25 अपॉन 5, 5 से डिवाइड हो रहा, काट लेंगे 5 जा 25, y की वैल्यू हमारे को मिली 5, x की वैल्यू 3 थी तो y की वैल्यू हमारे को मिल गई 5। हम इसको इरेज कर लेते हैं, इसकी वैल्यू हम ले लेंगे 8 ले लेते हैं, यहाँ पर हम 8 ले लेते हैं, x की वैल्यू हमने 8 लिया, उसको सेकेंड इक्वेशन में हम पुट कर लेते हैं 46, 7x, x की जगह हम लिखेंगे 8 प्लस 5y इज इक्वल टू 46, यो 7 8 जा 56 प्लस 5y इज इक्वल टू 46। अब ये नंबर पार्ट को हम इधर भेज देंगे, 5y इज इक्वल टू 46, यहाँ पर प्लस का था माइनस में हो गया 56, 5y इज इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस करा, माइनस से 0 आ गया, और 5 में से गया तो ये 10 आ गया, और ये माइनस का था, बड़ा जो बड़े नंबर होता है उसका साइन लगता है, ये बड़ी संख्या थी, नंबर था उसका माइनस था, तो इसलिए माइनस आ गया। y की वैल्यू हम निकालेंगे माइनस 10, ये 5 जो था वो मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में हो जाएगा, और इसको काट लेंगे 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, तो y की वैल्यू मार को मिली माइनस 2, तो ये माइनस 2 आ गया। अभी माइनस 2 आ गया। अब ये जो कोऑर्डिनेट बने इसको हम ग्राफ पर इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं। यहां देखो कोऑर्डिनेट s की x इज इक्वल टू 10 है, देखो यहां पर 10 है, तो x एक्सिस पर हम 10 गिन लेंगे, ये 2 2 की गैप में है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 इधर आ रहा और यहां पर 0 आ रहा, देखो यहां पर कोई 0 है, तो इसी लाइन पे इसको बन जाएगा यहां पर, तो ये इधर आया, ये कोऑर्डिनेट इधर आया, यानी 10 और ये 0। ये फर्स्ट नंबर होता है वो x होता है और सेकंड नंबर y होता है। अब x की वैल्यू हमारे को यहां पर 3 दे रखा है, देखो यहां 3 दे रखा है x की वैल्यू, तो 3 हम यहां पर से लिख रहे 1 2, और ये 3 यहां पर आ रहा, y की वैल्यू यहां पर 1 2 3 4, और ये 5 इधर आ रही, ठीक है, तो ये यहां पर इसको कट रहा है, देखो इधर इधर आएगा, ये दोनों को मिला लो इधर, ये कट रहा है, ठीक है, तो यहां 5 हो गया और यहां पर 3 हो गया, तो ये इधर आएगा,
ये 3 और ये 5, तो 3 और ये 5, ये यहां पर कोऑर्डिनेट हुआ। अब ये दोनों को हम इसको मिला लेते हैं, इसको दोनों को आपस में जो स्केल के द्वारा इसको हम दोनों पॉइंट को मैच कर लेते हैं ये इस तरह से, ठीक है। अब सेकंड इक्वेशन हम देखते हैं, जो सेकंड एक्स की वैल्यू 3 है, यहां 3 है और वाई की वैल्यू भी 5 होगी, तो देखो यहां पर यहां सेम आ गई, तो ये 5 हो गया और यहां पर 3 हो गया, तो ये इसकी वैल्यू भी यहां पर सेम आई, यानी ये एक और वैल्यू जो है वो यहां पर सेम आई, ये एक और वैल्यू होगी इधर, ये सेम आ गई। अब क्या करेंगे हम, एक्स की वैल्यू 8 ले लेते हैं। अब 8 है यहां पर, एक्स की वैल्यू 8, तो यहां पर देखो 8 का एक्स एक्सिस पर ये 8 ही रहा, और ये -2 ये नीचे आएगा, ये माइनस देखो यहां 2 ये इधर आ रहा, ठीक है, तो ये इधर आ रहा, ये इधर बना, तो ये बना 8-2, ये कोऑर्डिनेट हुआ, ठीक है एक्स की वैल्यू। अब ये दोनों को हम यहां पर स्केल के माध्यम से इसको मिला लेते हैं, ये अब देखो जहां पर ये कट रही है दोनों, ठीक है, ये देखो यहां कहां कट गया, यहां 3, 1, 2, 3 और यहां पर 1, 2, 3, 4, 5, ये 5, तो हमें यहां पर मिल गया, यहां पर ये जो x फर्स्ट नंबर वो x होता है, तो x की वैल्यू हमने निकाला था, x इजिकल टू पेंसिल, पेंसिल की थी, x इजिकल टू 3 आया और y इजिकल टू हमारे को मिला 5, तो कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल हमारे को मिल गई, तो कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल इजिकल टू 3, कॉस्ट ऑफ वन पेन इजिकल टू हमारे को मिला 5। देखो ये इस तरह से हमने इसको ग्राफिकली इसको फाइंड कर लिया है, नंबर ऑफ पेंसिल और पेन, और इसी के साथ हम ये आंसर को समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।